हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम। आज हम कंपैरिजन करेंगे दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज नासा वर्सेस इसरो के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नासा के बारे में। दोस्तों, नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी और यह एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। व्हाइट डी इनेवर को नासा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नासा का हेड ऑफिस अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। नासा में लगभग 17,336 लोग कार्य करते हैं, जो सिर्फ अमेरिका से ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों से होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें 36% साइंटिस्ट भारतीय हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शर्मिला भट्टाचार्य कुछ ऐसे जाने माने भारतीय हैं जो नासा में कार्य कर चुके हैं। नासा का सालाना बजट $20.9 बिलियन का है। अगर हम नासा के सबसे सफल मिशन की बात करें तो उनमें हैं हबल, अपोलो, विकिंग और स्पीटीज जैसे कामयाब मिशन हैं। नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट जनवरी 1958 में लॉन्च की थी, जिसका नाम था एक्सप्लोर 1। नासा ने ही सबसे पहले इंसान को चांद पर पहुंचाया था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर अपना पहला कदम रखा था। इस मिशन को अपोलो 2 नाम दिया गया था। नासा ने 5 नवंबर 1964 को पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था, जिसमें उसने मैरिनर 3 सैटेलाइट को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया था। इसके बाद नासा ने मंगल ग्रह पर मार्स इनसाइट और क्यूरोसिटी जैसे बड़े प्रोजेक्टों को पूरा किया। नासा के पास अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नासा के पास एटलस वी, फैल्कन 9, सैटर्न वी जैसे सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल हैं। आने वाले कुछ सालों में नासा मार्स 2020, पार्कोल स्पेस प्रोब, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी अब नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष के विभिन्न प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो दोस्तों, इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के पितामह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसरो का हेड ऑफिस बेंगलोर में है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर के सिवान हैं। वहीं इसरो में करीब 16,072 लोग कार्य करते हैं और यह सभी लोग भारतीय हैं। इसरो का सालाना बजट $1.6 बिलियन है, जो कि नासा के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसरो सबसे कम खर्च में अपने मिशन को पूरा करने के लिए जानी जाती है। अगर हम इसरो के सबसे सफल मिशंस की बात करें तो उसमें है चंद्रयान 1, मंगलयान 1 और PSLV-C37। PSLV-C37 वही मिशन है जिसमें इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट है, जिसे सोवियत यूनियन की मदद से 1975 में लॉन्च किया गया था। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम मिशन लॉन्च किया। इसरो का अब तक का एकमात्र मून मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट पहला दुनिया का एकमात्र मिशन था जिसने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी। इसरो का पहला मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ, जिसका नाम
था मंगलयान फर्स्ट। इस मिशन से इसरो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अपनी पहली कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई। मंगलयान फर्स्ट मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन है, जिसको लगभग 74 मिलियन डॉलर में पूरा कर लिया गया था। इसरो के पास SLV, PSLV, GSLV जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि इस रिकॉर्ड से पहले सिर्फ 37 सैटेलाइट्स को ही एक साथ लॉन्च किया गया था, जो रिकॉर्ड रशिया ने अपने नाम किया था। आने वाले सालों में इसरो चंद्रयान 2, मंगलयान 2, आदित्य L1 जैसे बड़े मिशंस को पूरा करने की तैयारी में है। आशा है आपको यह कंपैरिजन पसंद आया होगा। धन्यवाद।